हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। देखिए, लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन से ऑन एन एवरेज, बल्कि ऑन एन एवरेज भी नहीं, एक क्वेश्चन आता आपको हर साल, नियर अबाउट, कई बार नहीं भी आता। लेकिन ये जो वाला टॉपिक है, ये टॉपिक आपके दिमाग में बोझा बहुत बनाता है, क्योंकि लिंकेज आप लोग को क्लियर नहीं होती, उससे आप लोग परेशान रहते हो। तो जब भी आपकी अगर कोई परेशानी है तो वह आपकी वर्किंग एफिशिएंसी को डिप कर देती है। आपके बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है, मैंने लिंकेज अच्छे से पढ़ा नहीं, लिंकेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, इसीलिए लिंकेज को आज मैं अटेंड करने जा रहा हूँ। लिंकेज आप ये अगर आधा पौना घंटा मुझे दे देंगे तो मेरा उम्मीद करता हूँ कि आपको फिर लिंकेज से रिलेटेड कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो चालू करते हैं लिंकेज। मॉर्गन कैरीड आउट सेवरल डाईहाइब्रिड क्रॉसेज इन ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन्स दैट वर सेक्स लिंक्ड। डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होती है? जब आप ऐसा क्रॉस कराएं, जब आप दो कैरेक्टर को एट अ टाइम ऑब्जर्व करें, जैसे कि इन्होंने बॉडी कलर और आई कलर को ध्यान में रखते हुए क्रॉस कराया, बॉडी कलर और आई कलर। कहने का मतलब है कि जब किसी क्रॉस को कराते वक्त आप दो कैरेक्टर को ऑब्जर्व कर रहे हो, दो जीन्स का इनहेरिटेंस ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसको डाईहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ड्रोसोफिला टू स्टडी जीन्स दैट वर सेक्स लिंक्ड। जीन क्या? जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच हैव कोडेड इन्फॉर्मेशन फॉर अ सर्टेन कैरेक्टर। डीएनए का वो टुकड़ा जिसके पास जानकारी है किसी एक लक्षण के लिए। सेक्स लिंक जीन्स क्या? सेक्स लिंक जीन्स आर दोज जीन्स व्हिच आर सिचुएटेड ऑन द सेक्स क्रोमोसोम। जो सेक्स क्रोमोसोम पे होते हैं, आपको पता है क्रोमोसोम दो तरह के हैं, हर एनिमल में दो तरह के क्रोमोसोम हैं, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम क्या? ऑटोसोम वो है जो हमारे सोमेटिक करेक्टर को नियंत्रित कर रहे हैं, या ऑटोसोम्स आर दोज क्रोमोसोम्स ओवर विच सिचुएटेड जीन्स विच आर कंट्रोलिंग सोमेटिक करेक्टर। तो जीन्स जो सोमेटिक करेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, वो जिन क्रोमोसोम पे होते हैं वो क्रोमोसोम ऑटोसोम्स कहलाते हैं। और सेक्स क्रोमोसोम क्या है? सेक्स क्रोमोसोम वो है जिसपे ऐसे जीन्स हैं जो डिटरमिन करने में, सेक्स डिटरमिनेशन में रोल प्ले करते हैं। तो जीन्स दैट डिटरमिन सेक्स सिचुएटेड ओवर द क्रोमोसोम एंड दोज क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम। तो इनको हम लोग एलोसोम्स भी बोलते हैं। एलो का मतलब होता है अलग, समथिंग डिफरेंट। ऑटोसोम्स एलोसोम्स दो तरह के क्रोमोसोम हो गए, ऑटोसोम या सेक्स क्रोमोसोम, ऑटोसोम सेक्स क्रोमोसोम। अब जीन्स, वो जीन्स जो सेक्स क्रोमोसोम पे होंगे सेक्स लिंक जीन्स कहलाएंगे। जीन्स विच आर सिचुएटेड ओवर द सेक्स क्रोमोसोम आर कॉल्ड सेक्स लिंक जीन्स। और सेक्स लिंक जीन्स जो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं वो कहलाएंगे सेक्स लिंक कैरेक्टर। और इन जीन्स का इनहेरिटेंस सेक्स लिंक इनहेरिटेंस कहलाएगा। ये सारी बातें समझने के बाद आगे चलिए। तो ड्रोसोफिला पे इन्होंने क्रॉस कराए, डायबिट क्रॉस कराए, और इन जीन्स को स्टडी किया जो जीन्स सेक्स लिंक थे, मतलब सेक्स क्रोमोसोम पे थे। क्रोमोसोम सिमिलर, द क्रॉसेस वर सिमिलर टू द डायहाइब्रिड क्रॉसेस कैरिड आउट बाय मेंडल इन पी। बेसिकली तरीका वही था, या क्रॉसेस इस तरह से जो कराई गई, पैटर्न प्रोसेस वही था, तरीका वही था, सिमिलर था, क्रॉसेस ये सिमिलर थी जो डायहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने कराई हैं पी प्लांट में। फॉर एग्जांपल मेंडल, फॉर एग्जांपल मॉर्गन हाइब्रिडाइज येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल टू ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल। मॉर्गन ने क्या कराया? मॉर्गन ने येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल को क्रॉस कराया ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल से। यहीं पे कैच आपका चालू हो जाएगा। तो देखिए, येलो बॉडीड बॉडी कलर और आई कलर के लिए, येलो बॉडी वाली फीमेल और वाइट आई वाली फीमेल को इन्होंने क्रॉस कराया, जिससे रेड आइड और ब्राउन बॉडीड मेल से, ब्राउन बॉडी मेल से। तो F1 जनरेशन में जितनी भी फीमेल बनी वो कैसी होंगी? वो होंगी ब्राउन बॉडीड और रेड आइड फीमेल। और जितने भी मेल बने F1 जनरेशन में इस तरह से क्रॉस कराने पे, जितने भी मेल बने वो कैसे हैं? येलो बॉडी वाइट आई। अब F1 जनरेशन की प्रोजीनी को इन्होंने फिर से क्रॉस करा दिया, इंटर क्रॉस करा दिया, तो ये एक तरह से टेस्ट क्रॉस भी है। आगे आपको बताएंगे टेस्ट क्रॉस क्या होता है, फिर से इसको डिस्कस करेंगे। तो जो फाइंडिंग आई वो मेंडल की ऑब्जर्वेशन से डिफर कर गई। मेंडल ने बोला था अगर जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं तो F2 जनरेशन में जो फिनोटिपिक रेशियो आएगा प्रोजीनी में, वो 9:3:3:1 का आएगा। ये पता ही है आपको, ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन इससे डेविएशन मिला।
इससे डेविएशन मिला तो इन्होंने बोला, यही ऑब्जर्व करते हुए, कि जब जीन सेम क्रोमोजोम पे होते हैं तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नियम को फॉलो नहीं करते, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं होते, और उनमें टेंडेंसी होती है कि वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन को मेंटेन करना चाहते हैं, और इसी को, इस करेक्टरिस्टिक को लिंकेज बोला, यही लिंकेज। तो कहने का मतलब है, इन शॉर्ट कह सकते हैं कि जीन्स विच आर सिचुएटेड ओवर द सेम क्रोमोजोम दे हैव द टेंडेंसी टू मेंटेन द पेरेंटल कॉम्बिनेशन, एंड दोज जीन विच आर सिचुएटेड ओवर द सेम क्रोमोजोम, उनका जो इनहेरिटेंस होगा, इनहेरिटेंस पैटर्न में, वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, दे डोंट वॉन्ट टू डिपार्ट फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते, उनका इनहेरिटेंस इन बल्क होता है, इकट्ठे एक साथ होता है, अगर अगर उन जीन्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर ना हो रही हो, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी तभी वो एक दूसरे का साथ छोड़ेंगे, वरना वो एक दूसरे के साथ बने रहेंगे। ये है आपका लिंकेज, फिर से समझ लीजिए। आइए एक दो बातें जो मैंने अभी आपको बताई नहीं हैं उनको समझ लीजिए थोड़ा, ताकि आपका ये लेक्चर देखने का जो फ़ायदा है आपको मिल जाए। ब्राउन बॉडीड रेड आई मेल लिया और इन्होंने येलो बॉडीड वाइट आई फीमेल ली, क्रोमोजोम एक्स पे सिचुएटेड है जीन, आपको पता ही है ड्रोसोफिला का। अब यहाँ से थोड़ा आप अलर्ट हो जाओ, वो बातें बता रहा हूँ जो आपकी एनसीईआरटी आपको नहीं बता रही, और आप इसी बात से परेशान होते हो, क्योंकि एनसीईआरटी कई चीज़ों को गोल कर जाती है और सीधे ही निष्कर्ष बता देती है, डिटेल में नहीं समझाती, तो उसके लिए हम लोग बैठे हैं ना, जो आपके लिए वीडियोज़ बना के डाल रहे हैं। ड्रोसोफिला फीमेल का जेनेटिक मेकअप क्या होगा, उसके पास दो एक्स होंगे, एक्स क्रोमोजोम पे ही ये जीन लोकेटेड है, और ड्रोसोफिला मेल का जेनेटिक मेकअप क्या होगा, मेल में केवल एक एक्स होगा, दूसरा वाई होगा, तो एक ही एक्स होगा, एक एक्स मतलब मेल का जेनेटिक मेकअप में ऑटोजोम्स प्लस एक्स, दूसरा जो क्रोमोजोम है सेक्स क्रोमोजोम वो वाई है, ठीक है जी, यही कैच है। अब इसने शुरुआत करी किससे, हाँ जी, शुरुआत करी है इन्होंने येलो बॉडीड वाइट आई फीमेल, तो फीमेल पे दो एक्स हैं, येलो बॉडीड वाइट आई, इस पे येलो बॉडीड वाइट आई, येलो बॉडीड वाइट आई, ये इसके जीन सिचुएटेड हैं दो एक्स पे, ठीक है। और इसका काउंटर पार्ट ये तो हो गई आपकी फीमेल, और काउंटर पार्ट है रेड आइड मेल ब्राउन बॉडीड, उस पे केवल एक ही एक्स है, और उस पे जो है हमारा कौन सा एलील सिचुएटेड है, वाइड, तो वाई प्लस और डब्लू प्लस, एक ही एक्स है। अब इसके जब गैमीट बनेंगे, अगर क्रॉसिंग ओवर हो भी जाए, तो क्योंकि ये होमोजाइगस कंडीशन है, दोनों पे सेम तरह के एलील है, अगर क्रॉसिंग ओवर हो भी जाए, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम दैट इज क्रॉसिंग ओवर, तब भी जो गैमीट बनेंगे उससे कोई फर्क जेनेटिक मेकअप पे नहीं पड़ेगा। गैमीट में क्या आ रहा, गैमीट में ये जो एक्स आ रहा है फीमेल के गैमीट में, उस पर यही एलील है वाई और डब्लू, ठीक है। तो इसका जो बन गया गैमीट वो वाई और डब्लू बन गया, इसके जो गैमीट बनेंगे वो दो तरह के बनेंगे, या तो उसमें एक्स क्रोमोजोम होगा, अगर एक्स क्रोमोजोम होगा तो उसका जेनेटिक मेकअप ये है गैमीट का, या एक्स क्रोमोजोम नहीं है तो उसको हम लिख देते हैं ओ, या वाई लिख देते हैं, कन्फ्यूज ना हो, ये दूसरा एक एक्स कंटेनिंग बना, एक वाई कंटेनिंग बना, वाई क्रोमोजोम को ऐसे भी दिखा सकते हैं, अगर हम वाई क्रोमोजोम को ऐसे दिखा दें वो ज़्यादा बेटर है, ये ज़्यादा बेटर है, वाई क्रोमोजोम को हम ऐसे दिखा देते, तो वाई क्रोमोजोम पे ये जीन्स नहीं है, वाई क्रोमोजोम एक्स क्रोमोजोम अलग है, और आपको पता है पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्रोमोजोम पे स्पेसिफिक एलील या जीन होते हैं, तो उस पे ये वाला जीन नहीं है जो बॉडी कलर आई कलर को कंट्रोल कर रहा। अब ये वाला गैमीट जो बन रहा था, इसका फ्यूज़न अगर इसके साथ हो जाए तो रिजल्टेंट जो जाइगोट होगा वो क्या बनाएगा, फीमेल ड्रोसोफिला, और फीमेल ड्रोसोफिला में एक एक्स पे ये एलील, दूसरे एक्स पे ये एलील, ये वाले डोमिनेंट है एलील, ये डोमिनेंट है एलील, तो जितनी भी बनेंगी फीमेल उनका जो जेनेटिक मेकअप होगा एक एक्स पे वाई प्लस और डब्लू प्लस, और दूसरे वाले एक्स पे जो उसको मदर से मिला वाई और डब्लू, ये जेनेटिक मेकअप वाला जाइगोट बना, ये अल्टीमेटली फीमेल ड्रोसोफिला में डेवलप हुआ। तो इसका फिनोटिपिक क्या आएगा, फिनोटाइप इफेक्ट, फिनोटाइप इफेक्ट आएगा हमारा क्या, ब्राउन बॉडीड और रेड आइड, ठीक है, ब्राउन बॉडीड रेड आइड वाली फीमेल F1 जनरेशन में बन जाएंगी सारी की सारी, ब्राउन बॉडीड और रेड आई, जिसको हम लोग वाइल्ड टाइप बोलते हैं। और इधर जो बने इसका, इससे जब फ्यूज़न हुआ तो उसके पास एक ही एक्स है और उस पर रिसेसिव एलील है,
एक ही एक्स और रिसेसिव एलील, तो रिसेसिव एलील अपने को प्रदर्शित कर देगा क्योंकि उसको दबाने वाला जीन है नहीं, एलील है नहीं, तो ये रिसेसिव एलील रिसेसिव होते हुए भी अपने को एक्सप्रेस कर देगा। तो जितने भी मेल बनेंगे वो कैसे बनेंगे, वो बनेंगे आपके वाइट आई येलो बॉडीड, येलो बॉडीड वाइट आई बने, येलो बॉडी और वाइट आई वाले। यहाँ तक बात समझ में आई, बिल्कुल आई होगी, नहीं आई तो बेटा धूप में बैठो और थोड़ी देर धूप सेक के फिर से देखो। ब्राउन बॉडीड रेड आई फीमेल बनी और येलो बॉडीड वाइट आई वाले मेल बने F1 जनरेशन में, ठीक है। फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, F1 जनरेशन का रिजल्ट जितनी भी फीमेल बनी वो कैसी बनी, वाइल्ड टाइप। वाइल्ड टाइप का मतलब ब्राउन बॉडीड और रेड आई। और जितने भी मेल बने कैसे बने, जितने भी मेल बने वो बने आपके येलो बॉडीड और वाइट आई। अब इसको फिर से क्रॉस करा दीजिए, F2 में आ जाइए। F2 में जब आए तो होना क्या चाहिए था, होना चाहिए था 9:3:3:1 पेरेंटल कॉम्बिनेशन। 9 कौन सा, ब्राउन बॉडीड रेड आइड, ब्राउन बॉडीड रेड आइड वाले 9 बनने चाहिए थे, येलो बॉडीड वाइट आइड वाला 1 बनना चाहिए था, ब्राउन बॉडी और वाइट आई वाले 3 बनने चाहिए थे, ब्राउन बॉडी वाइट आई वाले 3 बनने चाहिए थे और येलो बॉडी रेड आई वाले भी 3 बनने चाहिए थे। ये होना चाहिए था, हमारी फाइंडिंग ये होनी चाहिए थी, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन। पेरेंटल कॉम्बिनेशन वो जहाँ से आपने स्टार्ट किया है क्रॉस को, तो पेरेंट्स में जो कॉम्बिनेशन था जीन का वो कॉम्बिनेशन पेरेंटल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। और जो नए संयोजन बन गए, रिकॉम्बिनेंट बन गए, नए कॉम्बिनेशन बन गए कि हमारा ब्राउन बॉडी वाले के साथ वाइट आई, ब्राउन बॉडी वाला जेनेटिक मेकअप वाला, ब्राउन बॉडी मतलब ये वाला जीन के साथ ब्राउन बॉडी, ब्राउन बॉडी के साथ वाइट आई, ब्राउन बॉडी के साथ वाइट आई आ जाए, वाइट आई, तो वो कहलाएगा नया कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेंट। और ये आपका येलो बॉडी के साथ रेड आई आ जाए, येलो बॉडी के साथ रेड आई आ जाए, ठीक है जी। तो ब्राउन बॉडी के साथ ये आ जाए और इसके साथ ये आ जाए, वाई के साथ वाई प्लस के साथ डब्ल्यू आ जाए और वाई के साथ डब्ल्यू प्लस आ जाए जीन, ये रिकॉम्बिनेंट कहलाएंगे। तो ये होने चाहिए थे 9:3:3:1 लेकिन ये हुआ नहीं, इससे डेविएशन मिला। तो उन्होंने बोला कि जो जीन्स सेम क्रोमोसोम पे हो वो जीन्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखाते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में, यहाँ तक समझ में आया। F1 जनरेशन में जितनी भी फीमेल बनी वो वाइल्ड टाइप बनी, ब्राउन बॉडी रेड आइट बनी, जितने भी मेल बने येलो बॉडी वाइट आइट बने। इसके बाद जब इसको क्रॉस कराया, जिसको हम टेस्ट क्रॉस भी कह सकते हैं, टेस्ट क्रॉस क्या होती है, टेस्ट क्रॉस होती है जब आप किसी ऑर्गेनिज्म को जो डोमिनेंट कैरेक्टर दिखा रहा हो, डोमिनेंट ट्रेट दिखा रहा हो, लेकिन उसका जीनोटाइप आपको नहीं पता कि वो होमोजाइगस डोमिनेंट है कि हेटरोजाइगस डोमिनेंट है। जब उसका जीनोटाइप कंफर्म करने के लिए आप होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं तो उसको टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। तो ये होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट हो गया और इसका हमें कन्फर्म नहीं है, फिनोटाइप तो कन्फर्म है, जीनोटाइप कन्फर्म नहीं है। जीनोटाइप में उसके दोनों ही क्रोमोजोम पे वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस हो सकता था, या एक क्रोमोजोम पे वाई प्लस डब्ल्यू प्लस और दूसरे क्रोमोजोम पे वाई और डब्ल्यू एलील हो सकता था। वही तो जानने के लिए अगर आप क्रॉस करा दें तो आपको फाइंडिंग पता लग जाएगी। अगर किससे करा दें आप, इनसे करा दें, होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट से, तो आपको फाइंडिंग पता लग जाएगी, ठीक है जी। वो कहलाती है टेस्ट क्रॉस। बेसिकली इन्होंने टेस्ट क्रॉस कराई और टेस्ट क्रॉस कराने पर इन्होंने देखा, ही ऑब्जर्व दैट टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर एंड द F2 रेशियो डेविएट वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 9:3:3:1 रेशियो, ठीक, यही देखा गया इन्होंने। आगे चलिए, अब आप समझिए बात, अभी तक आपने क्या समझी, तो वो जीन्स जो सेम क्रोमोजोम पे हों वो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहते, वही जो उनकी करेक्टरिस्टिक है उसको लिंकेज बोलते हैं, ओके। आगे चलिए, मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू दैट द टू जीन्स वर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम। मॉर्गन और उसका ग्रुप जानता था ये दो जीन्स
कौन से जीन्स बॉडी कलर के लिए और आई कलर के लिए, ये जीन्स एक्स क्रोमोसोम पे, ये कैसे जानता था? अब इसको समझ लो आप, रेसिप्रोकल क्रॉस को ये वाली लाइन समझो जो ये लाइन कह रहा कि मॉर्गन और उसका ग्रुप जानता था कि ये जीन्स बॉडी कलर और आई कलर के लिए जो जीन्स हैं वो सेक्स क्रोमोसोम पे हैं, कैसे जानता था भाई? उसको भी समझ लो अब आप। तो रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होती है पहले तो उसको समझो। देखिए मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने देखा कि जब टॉल प्लांट को हम ड्रॉप प्लांट से क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट बने सब टॉल बने, ठीक है। अब इसका जब उसने सेल्फिंग कराई, इस इनकी जब उसने सेल्फिंग कराई तो अगली जनरेशन में 1:2:1 का रेशियो आ गया, फिनोटाइप का जीनोटाइप का और फिनोटाइप का 3:1 आ गया, फिनोटिपिक रेशियो 3:1, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। तो ये इन्होंने जब क्रॉस करा दी थी तो नेक्स्ट जनरेशन में जो प्लांट बने थे उनमें 3 प्लांट लंबे थे और 1 प्लांट छोटा था। अब इन 3 प्लांट लंबे में 1 प्लांट आपका होमोजाइगस डोमिनेंट है, 2 प्लांट आपके हेटरोजाइगस डोमिनेंट है। तो जीनोटाइप रेशियो 1:2:1 है, फिनोटाइप रेशियो 3:1 एक्सक्यूज मी सॉरी, ठीक। ये इन्होंने मानो इसको मेल फ्लावर से लिया है, स्टैमेन से पॉलन ग्रेन लिए और जिस पे डस्टिंग करी स्टिग्मा पे, वो ड्रॉप प्लांट है। क्या हो अगर अगली बार ये क्रॉस कराएं टॉल प्लांट का, टॉल प्लांट फीमेल और मेल और ड्रॉप प्लांट मेल ले लें तो क्या फाइंडिंग बदल जाएगी? नहीं बदलेगी, फाइंडिंग यही रहेगी, ये कहलाएगा रेसिप्रोकल क्रॉस, ठीक है। तो वो जीन्स जो सिचुएटेड होते हैं ऑटोसोम पे उनमें रेसिप्रोकल क्रॉस कराने पे फाइंडिंग नहीं बदलती, फाइंडिंग सेम रहती है। तो भले आप मेल मतलब ये टॉल वाले प्लांट से आप ले लें पॉलन ग्रेन और ड्रॉप प्लांट वाले स्टिग्मा पे उसको स्प्रे कर दें, या आप ड्रॉप प्लांट वाले से ले लें पॉलन ग्रेन और उसको टॉल प्लांट वाले स्टिग्मा पे स्प्रे कर दें, फाइंडिंग वही रहेगी। लेकिन ड्रोसोफिला में क्योंकि अब इन्होंने जो करेक्टर उठाए वो करेक्टर के लिए जीन किस पे सिचुएटेड है, एक्स क्रोमोसोम पे, सेक्स क्रोमोसोम पे फाइंडिंग बदल जाएगी। कैसे आओ समझ लो। तो रेड आई इन्होंने लिया मेल ब्राउन बॉडी के साथ, मेल में आप जानते हैं एक्स एक ही है दूसरा वाई है, तो ये हो गया आपका इधर काउंटर पार्ट है येलो बॉडी और वाइट आई, फीमेल में 2x है तो वाई और डब्ल्यू, वाई और डब्ल्यू, यहाँ पे वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस, ठीक है। फाइंडिंग क्या होगी, जितने भी बनेंगे ड्रोसोफिला उसमें जितनी भी बनेंगी फीमेल वो कैसी होंगी, वो होंगी वाइल्ड टाइप रेड आई ब्राउन बॉडी, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है मेल का एक्स आ रहा है, मेल के एक्स पे डोमिनेंट एलील है, ये एक्स मेल वाला इस वाले वाई वाले इस वाले से फीमेल वाले एक्स के साथ कंटेनिंग गैमीट के साथ, एक्स कंटेनिंग गैमीट के साथ ये वाला एक्स कंटेनिंग मेल गैमीट फ्यूज हो रहा है, तो जो डाइपॉड बन रहा वो क्या बना रहा, फीमेल ड्रोसोफिला। तो कैसी बन जाएगी, रेड आई और ब्राउन बॉडी वाली जितनी भी आपकी फीमेल है। और मेल के केस में क्या होगा, अब इसका वाई, वाई पे ये जीन्स है ही नहीं, वाई इस वाले के साथ एक्स के साथ फ्यूज हुआ तो उसको कैसा बनेगा, वो बनेगा आपका येलो बॉडीड वाइट आई। ये तो हो गया आपका जब हमने ये लिया करेक्टर। अब आप रेसिप्रोकल क्रॉस कराइए, इस बार रेड आई ब्राउन बॉडी आपने क्या ले ली, फीमेल, ठीक है, देखना फाइंडिंग देखना। और आपने क्या ले लिया, वाइट आई और येलो बॉडी वाला, वाइट आई येलो बॉडी वाला मेल। तो मेल पे आपका ये है जीन्स और इधर फीमेल पे जो हैं जीन्स वो डब्ल्यू प्लस वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस और वाई प्लस है, ओके। तो देखिए ये इससे फ्यूज़ हो जाए और जाइगोट जो बनेगा फीमेल कैसी होगी, रेड आई ब्राउन आई होगी, और ये वाला मेल के वाई के साथ फ्यूज़ हो जाए, कोई भी एक्स दोनों पे सेम ही एलील है वाई के साथ फ्यूज़ हो जाए तो जो बनेगा रिजल्टेंट जाइगोट मेल जो बनेगा वो कैसा होगा, क्योंकि उसमें भी डोमिनेंट एलील आ रहा, वो भी कैसा बनेगा, रेड आइड और ब्राउन बॉडीड बनेगा, रेड आइड ब्राउन बॉडी बनेगा। देखिए फाइंडिंग बदल गई जब आपने सेक्सेस रिवर्स किए
जेनेटिक मेकअप वही, लेकिन सेक्सेस रिवर्स कर दिया, फाइंडिंग बदल जाएगी। फाइंडिंग क्यों बदल गई? क्योंकि इस बार जो जीन सिचुएटेड है वो सेक्स क्रोमोजोम पे है। इस वाले केस में जब आपने रेड आइड ब्राउन बॉडी, रेड आई ब्राउन बॉडी आपने ली थी क्या जी, मेल, और येलो बॉडीड वाइट आइड फीमेल ली थी, तो जितने भी फीमेल बने थे सारे के सारे फीमेल रेड आइड ब्राउन बॉडी थे, और मेल जो बने थे मेल थे येलो बॉडीड वाइट आइड, ओके। लेकिन इस वाले केस में जब आपने सेक्सेस बदल दिए, अब आपने क्या किया है, रेड आई ले ली है मेल और ब्राउन, रेड आई ले ली फीमेल और ब्राउन बॉडी, ब्राउन रेड आई और ब्राउन बॉडीड वाली ले ली फीमेल, और वाइट आई येलो बॉडी वाला ले लिया मेल, तो फाइंडिंग बदल गई। जितने भी ऑर्गेनिज्म बन रहे हैं, भले वो मेल हो भले वो फीमेल हो, सारे के सारे वाइल्ड टाइप रेड आई ब्राउन बॉडीड बन रहे हैं। क्लियर हुई बात? इससे ये लोग जान गए कि ये जो क्रोमो, ये जो जीन है बॉडी कलर के लिए, आई कलर के लिए, वो सेक्स क्रोमोजोम पे है। एंड सो क्विकली दैट टू जीन्स इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस वर सिचुएटेड ऑन द सेक्स क्रोमोजोम, ठीक है, सेक्स क्रोमोजोम पे। इस तरह से ये लोग समझे, इनको बैठे बैठे सपना नहीं आया। द प्रोपोर्शन ऑफ द पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वर मच हायर देन द नॉन पेरेंटल टाइप, साथ के साथ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन जो था, पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा था नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन से, मतलब इंडिपेंडेंट असॉटमेंट नहीं दिखा रहा था। मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू फिजिकल एसोसिएशन और लिंकेज ऑफ टू जीन, मॉर्गन ने बोला ये लिंकेज के कारण हो रहा, एंड कॉइन द टर्म लिंकेज, और मॉर्गन ने लिंकेज टर्म कॉइन किया। फिजिकल एसोसिएशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम देन द टर्म रिकॉम्बिनेशन टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। तो ये जो हमारा जीन कॉम्बिनेशन है ये कहलाएगा पेरेंटल, और ये वाला कहलाएगा नॉन पेरेंटल। जो नए कॉम्बिनेशन बन गए वो नॉन पेरेंटल, जो इनिशियली शुरू से पेरेंट्स के पास थे वो कहलाएंगे आपके पेरेंटल। मॉर्गन एंड हिज ग्रुप आल्सो फाउंड दैट इवन व्हेन जीन्स वर ग्रुप ऑन द सेम क्रोमोसोम सम जीन्स टाइटली लिंक्ड एंड शो लो रिकॉम्बिनेशन वाइल अदर्स वर लूजली लिंक। तो मॉर्गन ने बोला लिंकेज के बाद उन्होंने ये बोला कि कुछ जीन्स वेरी टाइटली लिंक होते हैं जो एक दूसरे के बहुत पास होते हैं क्रोमोजोम में, और जो दूर होते हैं, मानिए यहाँ पे तीन हम जीन्स की बात करें ए बी सी, तो ए और बी टाइटली लिंक्ड होंगे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बहुत पास है, और ए और सी के बीच में लिंकेज की स्ट्रेंथ कम होगी, जितनी ज़्यादा दूरी उतनी कम लिंकेज की स्ट्रेंथ। क्यों? क्योंकि भैया क्रॉसिंग ओवर में जितना ज़्यादा वो दूर होंगे उतना ज़्यादा चांस होगा कि वो क्रॉसिंग ओवर के दौरान एक दूसरे से अलग हो जाए। ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक पे मानिए ए और बी डोमिनेंट एलील है और दूसरे पे रिसेसिव एलील है होमोलोगस क्रोमोसोम पे। अब व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ टू होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ से यहाँ के बीच में ये पार्ट इधर आ जाए, ये पार्ट इधर आ जाए, तो रिजल्टेंट क्या होगा कि क्रॉसिंग ओवर के बाद अब यहाँ पे आ गया है लोअर केस ए और कैपिटल बी, क्रॉसिंग ओवर हो गई, और इधर भी क्रॉसिंग ओवर हो गई, यहाँ पे कैपिटल ए और लोअर केस बी, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो गया। तो जितने ज़्यादा आपस में दूर होंगे क्रॉसिंग ओवर के चांसेस उतने ज़्यादा हैं कि वो एक दूसरे से अपार्ट हो जाए एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल के दौरान, और जितने एक दूसरे से क्लोज होंगे क्रॉसिंग ओवर, एक दूसरे का साथ कब छोड़ेंगे, जब क्रॉसिंग ओवर यहीं मानो ए और बी यहाँ पे सिचुएटेड है, तो जब क्रॉसिंग ओवर यहाँ से हो तभी वो एक दूसरे का साथ छोड़ेंगे। तो जितने ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर के चांसेस प्रोबेबिलिटी होगी, जितने ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर होंगे उतने ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन बनेंगे, और जितनी कम क्रॉसिंग ओवर के चांस होंगे उतने कम रिकॉम्बिनेंट बनेंगे। जो ज़्यादा लिंक्ड होते चले जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पास होते चले जाएंगे, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कम होती चली जाएगी, और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से ही हम दोनों क्रोमोसोम के बीच, दोनों जीन्स के बीच की दूरी को निर्धारित करते हैं, बता देते हैं, ठीक है। तो लिंकेज भी अब आप समझ गए क्या है, रिकॉम्बिनेशन भी आप समझ गए क्या, जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। मॉर्गन एंड हिज ग्रुप आल्सो फाउंड दैट इवन व्हेन जीन्स वर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम सम जीन्स टाइटली लिंक्ड शो वेरी लो रिकॉम्बिनेशन एंड सम्स वर वेरी लूजली लिंक्ड शो हायर रिकॉम्बिनेशन। फॉर एग्जाम्पल आगे देखिए बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के तौर पर दैट द जीन्स वाइट एंड येलो, जीन्स फॉर वाइट क्या, वाइट आई कलर के लिए, जीन्स वाइट, जीन वाइट या जीन येलो नहीं है यहाँ पे, इसने आधी बार लिख दी, जीन्स फॉर वाइट आई कलर या आई कलर के लिए जो जीन है वाइट, और येलो जो बॉडी कलर के लिए जीन है। तो यहाँ पे जीन्स वाइट एंड येलो, जीन कोई वाइट येलो नहीं है, जीन फॉर वाइट आई कलर एंड येलो बॉडी कलर,
तो आई कलर और बॉडी कलर के लिए जीन टाइटली लिंक्ड है एंड शो 1.3% रिकॉम्बिनेशन, वाइल वाइट, ये फिर से वाइट क्या आई कलर के लिए एंड मिनिएचर विंग साइज के लिए, मिनिएचर विंग शो 37.2% रिकॉम्बिनेशन। ठीक है जी, रिकॉम्बिनेशन की ये परसेंटेज कैसे निकालते हैं, बहुत आसान तरीका है। किसी भी गिवन क्रॉस में अगर आपको रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो फार्मूला होता है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू किसी भी गिवन क्रॉस में नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट फॉर्म, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट फॉर्म डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजिनी, टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर्म या प्रोजिनी इन दैट क्रॉस, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी परसेंटेज, अगर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो फ्रीक्वेंसी तो आ जाएगा। मानिए कोई आपने क्रॉस कराया उसमें आपके 780 पेरेंटल कॉम्बिनेशन एक तरह के दिखाने वाले, 860 पेरेंटल कॉम्बिनेशन दूसरी तरह के दिखाने वाले, 780 और 860, ठीक है, ये बने पेरेंटल कॉम्बिनेशन, पेरेंटल कॉम्बिनेशन। इसके अलावा ये हो गए आपके 1640 और 360 आपके बन गए हमारे कौन से रिकॉम्बिनेंट। तो क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, 360 डिवाइडेड बाय 2000, टोटल इन ऑल ऑर्गेनिज्म 2000 बने, 360 उसमें रिकॉम्बिनेंट दिखा रहे हैं तो, और 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया आपका 18। तो ये 18% आपके रिकॉम्बिनेशन है, 18 उसकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब है कि वो दोनों जीन्स एक दूसरे से 18 मैप यूनिट पे सिचुएटेड है। ठीक है जी, आइए 37.2% रिकॉम्बिनेशन, ही स्टूडेंट एल्फर्ड स्टूडेंट यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन्स पेयर ऑफ द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू जीन एंड मैप पोजीशन। ठीक है, तो स्टूडेंट ने यही रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी से जीन मैपिंग कर दी, बता दिया कि किसी भी क्रोमोसोम पे जो दो जीन्स जो अंडर कंसिडरेशन है कहाँ पे सिचुएटेड है। अब ये वाला देखो आप, इससे आप बड़ा परेशान होते हो, इसमें क्या है, ये देखिए फीमेल का जेनेटिक मेकअप दिखा रहा, फीमेल में दोनों एक्स है और ये मेल का जेनेटिक मेकअप दिखा रहा वाई, वाई पे ये वाले जीन्स हैं ही नहीं। अब इसके जब बनेंगे गैमीट तो इसके गैमीट में भले इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो भी जाए, अल्टीमेटली गैमीट कैसा बनेगा, इसी तरह का एक्स कंटेनिंग वाई और डब्ल्यू वाला बनेगा। इधर दो तरह के गैमीट बन जाएंगे जिसमें एक्स होगा और जिसमें वाई होगा। अब वाई वाला गैमीट इसके एक्स वाले से फ्यूज होगा तो जो मेल बनेगा, मेल कैसा होगा, मेल हमेशा ऐसा होगा येलो बॉडीड वाइट आई, और फीमेल कैसी होगी, फीमेल हमेशा वाइट टाइप होगी, कैसी होगी, ब्राउन बॉडीड रेड आइट। ठीक है, जितनी भी फीमेल बनी ब्राउन बॉडीड रेड आइट बनी, जितने भी मेल बने F1 जनरेशन में वो आपके होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस क्या हेमीजाइगस है कंडीशन वैसे तो, लेकिन रिसेसिव टाइप करेक्टर वाले बने। अब इनका आप फिर से क्रॉस करा दीजिए, अब देखिए अब यहाँ पे पोल खुल रही है F2 जनरेशन में, बहुत ध्यान से देखो क्या हो रहा है। अब इनके बीच में अगर क्रॉसिंग ओवर होगी तो इसके चार तरह के गैमीट बनेंगे, एक गैमीट जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम ऐसा, एक गैमीट जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम ऐसा, एक गैमीट जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम ऐसा और एक गैमीट जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम ऐसा। ठीक है जी, ये चार तरह के इसके गैमीट बन सकते हैं फीमेल में, और दो तरह के इसके कंटेनिंग एक्स और वाई, एक्स वाला वाई डब्ल्यू और वाई वाला ये, तो इनके फ्यूजन से 8 तरह के कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। ये वाला गैमीट इस वाले से भी फ्यूज हो सकता है, ये वाला गैमीट इस वाले से भी फ्यूज हो सकता है, ये गैमीट इससे भी फ्यूज हो सकता है, ये गैमीट इससे भी फ्यूज हो सकता है, ये गैमीट इससे फ्यूज हो सकता है, ये गैमीट इससे फ्यूज हो सकता है, ये गैमीट इससे भी और ये गैमीट इससे भी, 8 तरह के पॉसिबल है जीनोटाइप का जो बनने जा रहा ऑर्गेनिज्म का, वो 8 टाइप के ये हैं। उन 8 टाइप में से 8 तरह का जीनोटाइप, 4 तरह के ऐसे हैं जो पेरेंटल और 4 तरह के ऐसे हैं जो रिकॉम्बिनेंट। ये तो हो गया 8 तरह का जीनोटाइप। अब फीनोटिपिक इफेक्ट क्या आ रहा, फीनोटिपिक इफेक्ट में पेरेंटल का आप देखिए वाइल्ड टाइप येलो वाइट, ये तो हो गए आपके कौन से एक्स वाई मेल, ये मेल है, ये वाई क्रोमोजोम है, ये एक्स क्रोमोजोम है, इन दोनों में एक्स क्रोमोजोम, दोनों एक्स, दोनों एक्स, दोनों एक्स, तो ये जितनी भी हैं फीमेल हैं, ये जितने भी हैं मेल हैं। ठीक है, अब मेल में ये वाले मेल जो ये वाले मेल और ये वाली फीमेल पेरेंटल कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं, पेरेंटल टाइप,
या तो वाइल्ड या रिसेसिव, या तो वाइल्ड या रिसेसिव, ये नए कॉम्बिनेशन बन गए रिकॉम्बिनेंट। तो रिकॉम्बिनेंट जो टोटल इनऑल बने वो 1.3% बने, और पेरेंटल कितने बने 98.7। बनने कितने चाहिए थे बताओ, बनने कितने चाहिए थे अगर ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाते। अब यहाँ पे भी कैच है, यहाँ पे आप 9:3:3:1 ना कहते हैं ना कि बनने ये चाहिए थे, ना ना ना, ये आपका रेशियो बता रहा फिनोटाइप का। और टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या होगा, 1:1:1:1, ये होगा टेस्ट क्रॉस का रेशियो। आपकी ये जो एनसीईआरटी है, ये आटा इमली दाल चावल सब इकट्ठे बात कर रही है, डॉलर रुपए की इकट्ठे बात कर रही है, डॉलर अलग है रुपया अलग है। कहने का मतलब ये है ये जो पेरेंटल टाइप 98.7 दे रखा है, ये किस टर्म में दे रखा है, ये 9:3:3:1 टर्म में नहीं दे रखा, वो तो फिनोटिपिक रेशियो था। यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो टेस्ट क्रॉस का 9:3:3:1 नहीं रहेगा, फिनोटिपिक रेशियो टेस्ट क्रॉस में अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा होता, बहुत ध्यान से सुन लो अगर आप वाकई इसको समझना चाहते हो, फिनोटिपिक रेशियो टेस्ट क्रॉस में 1:1 का रहता है, 50-50 टेस्ट क्रॉस में 50% आपके रिकॉम्बिनेंट और 50% आपके पेरेंटल, ठीक है। और जीनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो 1:1:1:1 रहता है, वो जीनोटिपिक रेशियो कहलाएगा। तो जीनोटिपिक रेशियो 1:1:1:1 या उसको फिनोटिपिक रेशियो 50-50 बनने चाहिए थे, 50-50 ना बन के 98.7 और 1.3 बन गया। अभी नहीं समझ में आया होगा, आओ समझा दूँ, आओ तुमको मैं समझा दूँ, राउंड येल्लो ये समझो, राउंड येल्लो, ठीक है। ये जब आपने क्रॉस कराया, ये जब आप क्रॉस कराएंगे, अगर नहीं इसको ना क्रॉस कराओ आप, राउंड येलो को क्रॉस कराएंगे आप, क्योंकि आपने टेस्ट क्रॉस कराना होमोजाइगस रिसेसिव से। अब समझो आप, इसके चार तरह के बनेंगे गैमेट, इधर देखो अब समझ में आ जाएगा आपके, आर और वाई, इसके चार तरह के, इसके एक ही तरह का। तो जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई और आर आर वाई वाई, ठीक है जी। ये देखिए फिनोटिपिक रेशियो क्या है, फिनोटिपिक रेशियो 1:1:1:1 है, जीनोटिपिक रेशियो 1:1:1:1 है। इसमें दो ऐसे हैं जो पेरेंटल फिनोटाइप दिखा रहे हैं, राउंड येलो, ये राउंड येलो दिखा रहा है, और ये आपका रिंकल्ड ग्रीन दिखा रहा है, ठीक है। ये कैसे हो गए पेरेंटल, पेरेंट का जो कॉम्बिनेशन था जीन का, ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, आर के साथ वाई था और आर के साथ वाई था, ये भी पेरेंटल है, ये भी पेरेंटल है, ये नया है, ये नया है क्योंकि आर के साथ ये वाई आ गया रिकॉम्बिनेंट है, और ये नया है आर के साथ वाई आ गया कैपिटल, ये नया है, ये रिकॉम्बिनेंट। तो टोटल इन ऑल चार में से दो रिकॉम्बिनेंट और दो पेरेंटल, तो 50% रेशियो हो गया अगर इंडिपेंडेंट असॉर्ट हो रहे थे। अगर इंडिपेंडेंट असॉर्ट नहीं हो रहे, एक दूसरे के साथ बने हुए हैं, तो ये 50% रेशियो से वैरी हो जाता है। अब यहीं पे कैच है जो आपकी बुक नहीं बता रही, आपकी बुक के लिए जो मिनिमम अगर आपसे पूछा जाए, आपने टेस्ट क्रॉस कराया और आपने देखा कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन बना वो मोर देन 50% है, इंक्रीज हो गया, और रिकॉम्बिनेंट 50% से डिक्रीज हो गया, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है लिंकेज कि जीन्स जो है इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं हो रहे। अगर जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे तो 50% आपके पेरेंटल और 50% आपके रिकॉम्बिनेंट बनेंगे, लेकिन इन अ गिवन डायहाइब्रिड क्रॉस इफ द पेरेंटल कॉम्बिनेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 50% टू 60 or 70 और समथिंग लाइक दैट, इट शोज दैट द जीन्स आर लिंक जीन्स। और अगर रिकॉम्बिनेंट, दूसरे शब्दों में बोलें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 50% से कम हो जाए, या पेरेंटल की 50% भाई, ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, सीधी सी बात, क्योंकि सम टोटल 100 रहना है। अगर ये बढ़ेगा, ये 60 हुआ तो ये 40 हो गया, दूसरे शब्दों में बोलें ये 40 हुआ तो ये 60 हो गया, एक ही बात है, वन ऑफ द सेम थिंग। तो ये है आपका कॉन्सेप्ट लिंकेज का। अगर जीन्स सेम क्रोमोजोम पे होते हैं, वो एक दूसरे का साथ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखाते, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखाते, लेकिन अलग हो सकते हैं। कब अलग हो सकते हैं, जब उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाए, उनके बीच के सेगमेंट में से
वहाँ से क्रॉसिंग ओवर हो जाए. क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. ये क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड है, ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड है, ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड है. क्रोमेटिड क्या है? क्रोमेटिड है हाफ ऑफ द डुप्लीकेटेड क्रोमोजोम. ये डुप्लीकेट क्रोमोजोम है. क्रोमोजोम आप जानते हैं डुप्लीकेशन, भाई जेनेटिक मटेरियल एस फेज में डुप्लीकेट होता है, डीएनए अपना डुप्लीकेशन कर लेता है. तो एस फेज कंप्लीट होने के बाद ये जो डीएनए था उसने अपनी प्रतिलिपि कॉपी बनानी, रेप्लीकेट कर लिया. ये डुप्लीकेटेड क्रोमोजोम का हाफ ऑफ द डुप्लीकेटेड क्रोमोजोम एक क्रोमेटिड, ये दूसरा क्रोमेटिड, ये दोनों एक दूसरे के सिस्टर क्रोमेटिड. होमोलोगस क्रोमोजोम, भाई सेम क्रोमोजोम, एक फादर का एक मदर का, वो एक दूसरे के होमोलोगस क्रोमोजोम है. ये एक दूसरे के, ये और ये एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है. इनके बीच में एक्सचेंज हुआ जेनेटिक मटीरियल का. तो ये जो लिंक जीन्स हैं जो सेम क्रोमोजोम पे हैं वो एक दूसरे का साथ छोड़ सकते हैं अगर क्रॉसिंग ओवर यहाँ से हो जाए तो. जितना ज़्यादा वो दूर होंगे क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा वो एक दूसरे के समीप होंगे तो क्रॉसिंग ओवर के दौरान अगर यहीं से हो तभी वो एक दूसरे का साथ छोड़ेंगे, वरना छोड़ेंगे ही नहीं एक दूसरे का साथ. तो लिंकेज की स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा जितनी कम दूरी, और उतने ही कम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी. और जो बिल्कुल ही एक दूसरे के अगल बगल हैं वो टाइटली 100% टाइटली लिंक जीन है, वो एक दूसरे का साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे. ये हो गई कहानी. और ये जो आपको नहीं समझ में आता डायग्राम, ये भी आपने समझ लिया कि बेटा ये एक्स क्रोमोजोम है, ये वाई क्रोमोजोम है, ये एक्स क्रोमोजोम है, ये वाई क्रोमोजोम है. अब क्रॉसिंग ओवर होमोलोगस क्रोमोजोम के बीच होगी, एक्स और वाई के बीच में तो हो ही नहीं सकती क्योंकि जीन्स अलग अलग हैं, जेनेटिक मटीरियल अलग अलग है. क्रॉसिंग ओवर कब होगी? जब दोनों होमोलोगस क्रोमोजोम होंगे, दोनों एक्स हैं. अब यहाँ पे देखिए क्रॉसिंग ओवर हुई, एक पे वाई और एक पे डब्ल्यू, इसने अपनी रेप्लिका प्रतिलिपि बनाई वाई और डब्ल्यू. दूसरे एक्स पे क्या है? दूसरे एक्स पे है वाई प्लस और डब्ल्यू प्लस. इसने अपनी प्रतिलिपि बनाई, कॉपी कर ली, फोटो कॉपी वाई प्लस डब्ल्यू प्लस. अब एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटीरियल हो गया, ये इधर आ गया और ये टुकड़ा इधर चला गया. तो एक्सचेंज के बाद क्या हो गया? एक्सचेंज के बाद ये सीन वाई और डब्ल्यू, और इसका ये जो एक्सचेंज के बाद यहाँ पे आ गया वाई प्लस और डब्ल्यू, और ये देखिए इधर था वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, और यहाँ पे अब आ गया वाई और डब्ल्यू प्लस. अब जब मियोसिस कंप्लीट हो जाएगा ये सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और गैमीट में हैप्लॉयड कंडीशन हो गई. ये हमारा बीच में से स्प्लिट हुआ सेंट्रोमियर और अलग अलग हो गए, ये अलग अलग हो गए. उसके बाद ये जो बन गए क्रोमोजोम वाई डब्ल्यू वाला बन गया, वाई प्लस डब्ल्यू वाला बन गया, और इस वाले से वाई प्लस डब्ल्यू प्लस, और दूसरे वाले पे वाई और डब्ल्यू प्लस. तो ये तो थे आपके पेरेंटल और ये बन गए रिकॉम्बिनेंट, चार तरह के गैमीट बन गए. ठीक है, ओके. ये है कहानी आपकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी कैसे निकालनी. अब ये वाला आप डायग्राम भी आप समझ गए होंगे, सारी बातें अब आप समझ गए हैं. तो यहाँ पे आके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ. उम्मीद करता हूँ कि लिंकेज आपको समझ में आई होगी. ठीक, मिलते हैं ब्रेक के बाद. गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस.